नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं केके शर्मा। पिछले मैंने दो तीन वीडियो डाले थे आईयू के चैप्टर के, मैंने तो उसमें किसी एक के छात्र का कमेंट आया, तो मैंने कमेंट पढ़ा था उनका। उसका एक के डाउट था और उसका डाउट जायज भी था वो। तो मैं पहले तो ये चीज़ बता दूं कि उस टाइम जो क्वेश्चन था वो जो 8 वर्ष और जो भी मेरी जो आंसर आया था वो 4 साल पहले का था। क्योंकि मैंने आपको एक बात बताई थी कि आपको जो पूछे उसकी काल्पनिक वैल्यू से आपको गुणा करना था। ये चीज मैंने आपको बताया था, वैल्यू सिस्टम में यही मैंने आपको क्लियर किया था कि आपको क्वेश्चन में एक क्या दी जाएगी, रियल वैल्यू दी जाएगी। क्या दी जाएगी? रियल वैल्यू दी जाएगी। उसके बटे में उसी की क्या रखनी है आपको, काल्पनिक वैल्यू। और जो पूछा जाए उसकी काल्पनिक वैल्यू से आपको क्या करना है, गुणा करना है। ठीक है, अगर हमें वर्तमान आयु चाहिए तो अपन वर्तमान आयु के जो भी हमारे पास अनुपात है उससे गुणा करेंगे। पहले का चाहिए तो अपन क्या करेंगे, जो चाहिए जैसे 4 साल पहले वो कह रहे हैं, 4 साल पहले मैं खुद निकाल रहा तो वर्तमान से गुणा करो तो मेरे आंसर लगा रहे हैं। वो इसलिए आ रहे हैं क्योंकि वहां वर्तमान निकाल रही हूं और मैंने उस क्वेश्चन में 4 साल पहले की आयु निकाली थी। 4 साल पहले वो कितने साल का था वो चीज निकाली थी मैंने। बात समझ में आ गई? मैं आशा करता हूं कि उसका डाउट क्लियर हो गया होगा। और भी मुझे ऐसा लगता है कि तो इस अकॉर्डिंग मैंने आज एक वीडियो और बनाने का सोचा कि आईयू के जो लेवल जो थर्ड है उसके मैं आपसे कुछ क्वेश्चनों के ऊपर और चर्चा कर दूं, जिससे आपके आसानी से ये जो कंफ्यूजन है वो सारा हट जाए। ठीक है, तो एक क्वेश्चन मैंने लिखा है बोर्ड के ऊपर कि ए व बी की आयु का अनुपात 9:7 है, 12 साल पहले दोनों की आयु का अनुपात 3:1 था, तो ए की आयु पता लगाओ बी की आयु। ठीक है, अब देखो एक बात, ए व बी की आयु का अनुपात कुछ भी नहीं दिया, इट मींस कहां की बात हो रही है आपसे, वर्तमान की बात हो रही है। तो ये वर्तमान, वर्तमान में ए और बी की आयु का अनुपात है 9:7, कितने साल पहले, 12 साल पहले, 12 साल पहले दोनों के आयु का अनुपात 3:1 था। यहां तक तो सभी के क्लियर था उस दौरान। तो मैंने कहा था कि आपको यहां पे क्या पता करने हैं, आइडियल रेशियो पता करने हैं। और आइडियल रेशियो कैसे पता करना है आपको, इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों के डिफरेंस को गुणा करना है ऊपर वाले से, ऊपर वाले के डिफरेंस से गुणा करना है नीचे वाले से। तो 9 और 7 का जो डिफरेंस है वो कितना है, 2। तो 2 का गुणा आप इससे कर दो, ऊपर कर दो, तो यहां कितना आ गया, 6, और इधर कितना आ जाएगा, 2। इसका डिफरेंस कितना है, 2। उस 2 का गुणा किससे कर दो आप, नीचे कर दो, तो यहां आ जाएगा 14। अब इस अनुपात को क्या करो, काट दो, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। अब देखो हमारे अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दोनों अनुपात में कितने साल का अंतर है, 12 साल का। हमारे अकॉर्डिंग भी दोनों अनुपातों के बीच में कितने साल का अंतर है, 12 साल का। 12 की वैल्यू कितनी आई, 12। 12 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12। वहां वो व्यक्ति ये कंफ्यूज क्रिएट हो रहा था उसके कि मैंने उस टाइम गुणा यहां ये वाला कर दिया था, तो ये वाला यदि मैं गुणा करता हूं, यदि मैं गुणा किससे करता हूं, 6 से करता हूं, तो इट मींस मेरी जो आयु आई है, एक की जो आयु आई है वो कब गई, 12 साल पहले की आई। अगर मुझे वर्तमान निकालना है तो उसमें मुझे क्या करना पड़ेगा, 12 ऐड करना पड़ेगा। या फिर अगर मुझे मान लो वर्तमान निकालना है तो मैं डायरेक्ट गुणा किससे कर दूं, 18 से गुणा कर दूं। बी का पूछे तो गुणा किससे कर दूं, 14 से गुणा कर दूं। बात समझ में आ गई क्या? तो ए यहां से कितने साल का आ गया वर्तमान में, 18 साल का है कि नहीं आया, कितने साल का जाएगा, 18 साल का। और पहले का चाहिए तो पहले से आप गुणा कर सकते हो। क्लियर है सभी के? एक दो क्वेश्चन मैं और लिख दे रहा हूं बोर्ड पर, ठीक है, वो आप करना कोशिश करते हैं अपन। अब देखो वही अपन करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग करते हैं अपन। ए बी की आयु का अनुपात दिया हमें वर्तमान अनुपात, तो वर्तमान अनुपात कितना जाएगा, ए और बी की आयु का अनुपात कितना दिया आपको, 3:6।
चार, कितने साल बाद? 10 साल बाद। कितने साल बाद? 10 साल बाद। दोनों के आयु का अनुपात कितना हो जाएगा? 14:17 हो जाएगा। ठीक है, वही आइडियल रेशियो पता कर लें, इन दोनों के बीच में कितने का अंतर है, 14-17 में बीच में कितने का अंतर है, 3 का गुणा इससे कर दो, कितना आया? 9 और कितना जाएगा? 12। इसका अंतर 1 है, इसका गुणा इससे कर दो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस अनुपात को कट गए। ठीक है, ये आपका था रियल रेशियो, बट अब क्या बन गया? आपका आइडियल रेशियो। ये था रियल रेशियो, ये कट के अब नया आइडियल रेशियो आ गया हमारे पास। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दोनों के बीच में कितने साल का अंतर है? 10 साल का अंतर है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दोनों के बीच में कितने साल का अंतर है? 10 साल का अंतर है। और हमारे अकॉर्डिंग दोनों के बीच में कितने साल का अंतर है? 5 साल का अंतर है। 10 की वैल्यू कितनी आई? 5। हाँ, अब देखो, अब आपको यदि वर्तमान निकालना है तो गुणा किससे करोगे? 1 की वर्तमान आयु निकालने तो गुणा किससे करेंगे आप? 9 से करेंगे। गुणा किससे करेंगे? 9 से। बी की वर्तमान निकालनी है तो गुणा किससे कर देंगे आप? 12 से कर देंगे। बात समझ में आ गई क्या? और ए की मुझे 10 साल बाद की निकालनी है तो मान जी गुणा किससे करना पड़ेगा? 14 से गुणा करना पड़ेगा। बी की मुझे 10 साल बाद की निकालनी तो मुझे गुणा किससे करना पड़ेगा? 17 से गुणा करना पड़ेगा। इसके लिए अपन सोल्व करें तो कितनी बार गया, तो ए तो कितने साल लग गया? 18। बी कितने साल का जाएगा आपका? 24 साल का। क्या बात समझ में आ गई क्या? क्लियर है क्या? अब तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। सीधी सी एक ही बात है कि आपको जो वैल्यू दी जाए उसके बटे में आपको उसी की क्या रखनी है, आपको काल्पनिक वैल्यू रखनी है, और जो पूछा जाए उसकी काल्पनिक वैल्यू से आपको क्या कर देना है? गुणा करना, चाहे वो चीज कहां की पूछी हो, लेकिन हम निकाल नहीं सकते जहां के हमारे पास अनुपात हो। क्लियर सभी की? ठीक है, इसी प्रकार अपन लेवल 3 के क्वेश्चन आगे भी करते रहेंगे, और भी अच्छे अच्छे अपन क्वेश्चन करेंगे आयु के ऊपर। अभी तक तो मैंने आपको लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 2 के ऊपर ही चर्चा की आपसे। ठीक है, और इस पर भी एकदम इजी फॉर्मेट के जो क्वेश्चन है उन्हीं के ऊपर अपने चर्चा की है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा जो वीडियो होगा उसके ऊपर जो आज तक अभी तक जो क्वेश्चन आए हुए हैं, जो हार्ड हार्ड जो क्वेश्चन आए हुए हैं उसके ऊपर अपन क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। क्लियर दोस्तों? ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।